चलो स्टार्ट करते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम ये किसके लिए? व्यापारी के लिए। टर्नओवर 1.5 से ज़्यादा नहीं होते व्यापारी के लिए, टर्नओवर इसका 1.5। ये शॉर्ट सर्टिफिकेशन है, ठीक है। 3,000 मंथली वेज मिलता है 60% पे, ठीक है। सेंटर 50% देगा और 50% कौन देगा? मेड बाई बेनिफिशियरी, ठीक है। अब ये देख लो, GST रिक्वायर्ड फॉर ओनली फॉर दोज, ठीक है। ये लिमिट याद है, 1.5 से ज़्यादा नहीं हो, ठीक है। IFSC ये क्या है? IFSC क्या होता है? ब्रिंग बैक फाइनेंशियल सर्विसेज ट्रांजेक्शन डेटा करेंटली करेंट ऑफिसर फाइनेंस में, ऑफिसर अकाउंट में जो होगा उसको लिंक करेगा, ठीक है। ये प्रोवाइड क्या करेगा? इंडियन कॉर्पोरेट, ये इंपॉर्टेंट और ये आएगा भी, ठीक है। प्रोवाइड इंडियन कॉर्पोरेट एक्सेस टू ग्लोबल फाइनेंसमेंट, ये इंडियन कॉर्पोरेट को एक्सेस देता है ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट तक, ठीक है। व्हाट आर सर्विस ऑन IFSC? क्या होता है? फंड रेजिंग होता है, एसेट मैनेजमेंट होता है, ग्लोबल टैक्स होता है, वेल्थ मैनेजमेंट। फिर तो फंड रेजिंग, एसेट मैनेजमेंट, ये सब होता है, ठीक है। अब ये देखो इंपॉर्टेंट क्या, रेगुलेट करता है सारे फाइनेंशियल एक्टिविटीज को, ठीक है। अब ये तो पावर्स ऑफ द अथॉरिटी, ऑल पावर एक्सरसाइजेबल बाय द रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अंडर रिस्पेक्टिव एक्ट शैल बी सोली एक्सरसाइज बाई द अथॉरिटी ऑफ द IFSC, ठीक है। हु इज कवर्ड? एप्लीकेबल ऑल इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ऑल फाइनेंशियल इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर सेटअप अंडर द स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2005, ठीक है। ये कौन करता है? गुजरात इंटरनेशनल इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक्स सिटी, ये गिफ्ट सिटी में। देखो पहले से बम्बई में आता है, गिफ्ट सिटी में हो गया, ठीक है। अभी को पार्सल कैडर, ये क्या फीचर से क्या क्या है? शिफ्ट इन टू SMAO और रिलेटेड BBM, शिफ्ट शिफ्ट कहाँ हो गया? SMAO में, फिर BBB+, ठीक है। स्कीम, स्कीम क्या है? स्कीम में क्या है? NBFS और FSC, ठीक है। NBFS या FFC, ठीक है। NBFS या HFC, NBFSC, NBFC या फिर HFC ने किया है, ठीक है। जैसे में क्या होता है? मे बिकम NPA, ठीक है। ये NPA हो सकता है, ठीक है। ई बेकरी, ई बेकरी, ई ऑक्शन पोर्टल, हु क्या होता है? कौन करता है? यूनियन यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इंफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज एंड इम्प्रूव इम्प्रूव रियलाइज, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का क्या? इंफॉर्मेशन ऑन प्रॉपर्टीज एंड इम्प्रूव रियलाइज, ठीक है। अब सॉवरेन बॉन्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, ये क्यों होता है? फिजिकल गोल्ड को पेपर गोल्ड में चेंज करने के लिए, ठीक है। पेपर फिजिकल गोल्ड पहले लोग लेते हैं, पेपर गोल्ड में लेंगे, ठीक है। लिमिट क्या है? 1 ग्राम का 4 kg होता है और 20 ग्राम का ट्रस्ट के लिए, ठीक है। एक ग्राम से 4 kg इंडिविजुअल के लिए और 20 ग्राम होते ट्रस्ट के लिए, ठीक है। अब भीम 2.0, भीम 2.0 व्हाट व्हाट होता क्या था? रियल टाइम फंड ट्रांसफर बाय NPCI, ठीक है। होता क्या है? रियल टाइम फंड ट्रांसफर होता है बाय NPCI, रियल टाइम फंड ट्रांसफर होता है NPCI के लिए। UPI क्या होता है? पीयर टू पीयर कलेक्ट रिक्वेस्ट के लिए होता है और NPCI के लिए इनिशिएटिव ऑफ RBI और RBI फॉर रिटेल पेमेंट के लिए। फिर तो UPI क्या होता है? पीयर टू पीयर कलेक्ट रिक्वेस्ट के लिए होता है, पीयर टू पीयर कलेक्ट, NPCI क्या होता है? इनिशिएटिव ऑफ RBI और RBI और ABA का होता है फॉर रिटेल पेमेंट, ठीक है। EDC, EDC क्या होता है? व्हाट व्हाट क्या होता है? कैडर ऑफ इंडिजिनस एंटरप्रेनर्स, कैडर ऑफ इंडिजिनस एंटरप्रेनर्स, ठीक है। फीचर्स, फीचर्स का डेवलपमेंट कोर्स एंड इंसेंटिव, ठीक है। व्हाट व्हाट ये होता है क्या? कैडर ऑफ इंडिजिनस एंटरप्रेनर्स, ठीक है। फीचर्स का होता है डेवलपमेंट कोर्स एंड इंसेंटिव के लिए, ठीक है। निर्विक, निर्विक, निर्विक मतलब होता है कि इन्हांस लोन अवेलेबिलिटी फॉर एक्सपोर्टर्स, ठीक है। इन्हांस लोन अवेलेबिलिटी फॉर एक्सपोर्टर्स के लिए लोन इनिशिएटिव करता है, ठीक है। फीचर क्या होता है? 90% कवर होता है, 4 और 8% इंटरेस्ट होता है, ठीक है। 4 या फिर 8% इंटरेस्ट होता है, ठीक है। कवर क्या करता है? 90% कवर होता है और 4 से 8% तुमको इंटरेस्ट होता है, ठीक है। अभी देखो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ये क्या था? व्हाट होता क्या है? पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म एज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, पब्लिक प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म होता है, बाई क्या बाई करता है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड इट्स अटैच्ड यूनिट, ठीक है। फिर से सुनो, व्हाट होता क्या है? व्हाट पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म फॉर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए होता है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म बाई क्या करता है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और इट्स अटैच्ड यूनिट, ठीक है। सेल कौन सेल करता है? ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। सेल क्या, बाई क्या करता है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इट्स अटैच्ड यूनिट, ठीक है। बाई सेल मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को सेल करते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब दूसरा स्टार्ट ये कि ई नाम, ई नाम एक्चुअली व्हाट होता क्या? ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है बाई SFSC, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है? डायरेक्ट डाइवर्सिटी बाई कॉमन प्रोसीजर, फिर से सुनो, डायरेक्ट डाइवर्सिटी बाई कॉमन प्रोसीजर, ये होगा इसके बेनिफिट्स हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ये क्या फंडिंग क्या होता है? 39+39+22, ठीक है। 39+39+22 ये होता है, 22 क्या प्राइवेट है, ठीक है। नेशनल पर्सन टाइम फ्रेम क्या है? 2019 से 2020 से लेकर 2024-25, ठीक है। अब मार्केट इंटरवेंशन प्राइस स्कीम, मार्केट इंटरवेंशन प्राइस स्कीम, ठीक है। मार्केट इंटरवेंशन प्राइस स्कीम ये क्या है तुमको? व्हाट होता क्या? प्राइस सपोर्ट होता है मैकेनिज्म ऑन रिड्यूस ऑन रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म होता है जो कि रिक्वेस्ट स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे करता है, ठीक है। आइटम्स कौन कौन से होते हैं? पेरिसेबल और हॉर्टिकल्चर कम्युनिटीज बाई डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉपरेशन, ठीक है। पेरिसेबल और हॉर्टिकल्चर कम्युनिटीज जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉपरेशन के द्वारा करते हैं, ठीक है। आगे देखो टाइज, टाइज क्या है?
प्राइस एम इसका क्या, एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस इन्हांसमेंट, ठीक है, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस इन्हांस हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखो, हु कौन करता है रिकॉग्नाइज अगर एग्जिम पॉलिसी, एग्जिम पॉलिसी का देखते हैं, हु हेल्प, हाउ हेल्प, हेल्प कैसे करता है, सेटिंग अप या फिर अपग्रेडेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ठीक है, हेल्प कैसे होती है, सेटिंग अप या फिर अपग्रेडेशन से हो जाता है, ठीक है। अमेंडमेंट टू कंपनीज एक्ट, ये देखो अमेंडमेंट टू कंपनीज एक्ट क्या, व्हाट होता क्या है, अनस्पेंट सीएसआर फंड को शेड्यूल सेवन में डाल सकते हैं, ठीक है, अनस्पेंट जो सीएसआर फंड को शेड्यूल सेवन में डाल सकते हैं। पावर क्या होता है, इंपावर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एंड रिड्यूस फंक्शन ऑफ एनसीएलटी, ठीक है, इम्पावर करते रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का एंड रिड्यूस फंक्शन ऑफ एनसीएलटी, ठीक है, हो गया। अब किसान क्रेडिट कार्ड व्हाई इन न्यूज एक्सटेंडेड टू फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्रीज, ठीक है, वो इन न्यूज में क्यों एक्सटेंडेड होता है फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री का, ठीक है। हु मैनेज, कौन मैनेज करता है, अंडर नवार्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ यू गुप्ता कमेटी, यू गुप्ता कमेटी, उसने भी गुप्ता कमेटी उसके बेस पे एक होता है और नवार्ड इसको मैनेज करता है, ठीक है। अब फीचर्स क्या क्या होता है, फीचर्स को देख लो, फीचर्स क्या दूंगा, चीप एंड टाइमली क्रेडिट सपोर्ट, ठीक है, चीप या फिर टाइमली क्रेडिट सपोर्ट होता है, ठीक है। अब टाइम रिलीज स्टडी, टाइम रिलीज स्टडी व्हाई, क्यों जरूरत है, ये फास्टर मूवमेंट ऑफ कार्गो अक्रॉस बॉर्डर, ठीक है, फास्टर मूवमेंट ऑफ कार्गो अक्रॉस बॉर्डर क्या होता है, एम, एम क्या होता है, टू फाइंड बॉटलनेक्स, बॉटलनेक निकालने का काम आता है, ठीक है। अब वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर स्ट्रेच क्या होता है, दादरी से लेकर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई तक, दादरी से लेकर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, फंड कौन करता है, जापान इंटरनेशनल कॉपरेटिव, वो जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एनर्जी देता है, ठीक है। अब आगे जाते हैं भारत बॉन्ड ईटीएफ, भारत बॉन्ड क्या होता है, कंपोजिशन क्या क्या होता है इसका, भारत बॉन्ड ईटीएफ, भारत बॉन्ड में इसका कंपोजिशन क्या क्या होता है, कंपोजिशन होता है डेप्थ ऑफ स्टेट एंड कंपनीज, डेट ऑफ स्टेट एंड कंपनी, फीचर्स क्या होता है, फिक्स्ड मैच्योरिटी एंड टैक्स इफिशियंट, ठीक है, फ्यूचर क्या है, टैक्स मैच्योरिटी एंड टैक्स इफिशियंट, ठीक है, फिक्स्ड मैच्योरिटी एंड टैक्स इफिशियंट, ठीक है। अब एक्सचेंज ई टी एफ क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एक्सचेंज ट्रेड होता क्या, व्हाट म्यूचुअल फंड ट्रेडेड लाइक शेयर, म्यूचुअल फंड जिसको शेयर की तरह ट्रेड करते हैं, डिफरेंट फ्रॉम मुंबई, म्यूचुअल फंड से कैसे डिफरेंट है, ये सिलेक्टेड ऑन बेस ऑफ इंडेक्स, ठीक है, म्यूचुअल फंड से डिफरेंट कैसे, क्योंकि ये इंडेक्स बेस पर सिलेक्ट इसको करते हैं, ठीक है। बेनिफिट क्या होता है, कॉस्ट इफिशियंट एंड एनी टाइम लिक्विडिटी, बेनिफिट कैसे है, कॉस्ट इफिशियंट और एनी टाइम लिक्विडिटी में यूज करता है, ठीक है, कॉस्ट इफिशियंट और एनी टाइम लिक्विडिटी में इसका यूज है, ठीक है। एन आई आई एफ, एन आई आई एफ, एन आई आई एफ क्या होता है, व्हाट ये क्या होता है, टू फंड ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड एंड इंस्टॉल प्रोजेक्ट, इसका काम क्या है, ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड फिर इंस्टॉल प्रोजेक्ट का फंड के लिए, ठीक है। फंडिंग में क्या होता है, 49% इंडियन गवर्नमेंट देती है, 49% इंडियन गवर्नमेंट, बाकी पता ही कहाँ से आता है, ठीक है। टाइप ऑफ फंड कौन कौन सा होता है, मास्टर फंड होता है, फंड ऑफ फंड होता है और एस आई एफ होता है, ठीक है, मास्टर फंड, फंड ऑफ फंड और एस आई एफ, ठीक है। फिर फंडिंग क्या होता है, 49% इंडियन गवर्नमेंट देती है, ठीक है। अब ई आई एफ, ई आई एफ ये देखो, ई आई एफ व्हाट होता क्या है, प्राइवेटली पूल्ड फंड इन टर्म्स इन फॉर्म ऑफ ट्रस्ट कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट और एल आई पी, फिर दोनों ई आई एफ होता क्या है, प्राइवेटली पूल्ड फंड होता है जो कि फॉर्म ऑफ ट्रस्ट होता है, कंपनी होता है, बॉडी कॉर्पोरेट होता है या फिर एल आई पी होता है, ठीक है। कैटेगरीज कौन कौन से, तीन कैटेगरी है, स्टार्टअप, डेथ फंड, हेज फंड, फिर सुनो, स्टार्टअप, डेथ फंड, हेज फंड, ये तीन कैटेगरी हो गए, ठीक है। अब डिपोज, अब अगला देखो, अदर, समझ में आ गया, समझ में आ गया, कैटेगरी समझ में आ गया, कैटेगरी कौन कौन से, स्टार्टअप, डेथ फंड और हेज फंड, ठीक है। अब डिपॉजिट इंश्योरेंस, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्या है, व्हाई क्यों यूज करते हैं, प्रोटेक्ट डिपॉजिटर्स को इफ ए बैंक फेल, ये डिपॉजिटर को प्रोटेक्ट करता है जब बैंक फेल कर देता है, 5 लाख से 1 लाख तक इसका काम होता है, ठीक है, 5 लाख से 1 लाख तक, ठीक है। लिमिट क्या होता है, 1 लाख से 5 लाख, लिमिट क्या होता है, 1 लाख से 5 लाख, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है डिपॉजिटर को और बैंक फेल कर देता है तब, और लिमिट क्या होता है, 1 लाख से 5 लाख, ठीक है। पेमेंट बैंक, पेमेंट बैंक क्या होता है, व्हाई इन यूज, पेमेंट बैंक कैन सेटअप ए एन एस एफ वी, वाई इन न्यूज, न्यूज में क्यों होता है, क्योंकि पेमेंट बैंक ना सेटअप होता है ए एन एस एफ बी पे, ठीक है। वाई नॉट यू एस यू सी बी, क्यों नहीं, ओनली व्हेन कंप्लाई विथ ऑन टॉप लाइसेंसिंग गाइडलाइंस, ठीक है, सिर्फ तभी यूज करते हैं जब कंप्लाई करता है ऑन टॉप लाइसेंसिंग गाइडलाइंस से, ठीक है। पेमेंट बैंक यू सी बी क्यों नहीं होता, यू सी बी क्यों नहीं होता, क्योंकि ये कंप्लाई ओनली व्हेन कंप्लाई विथ ऑन टॉप लाइसेंसिंग गाइडलाइन, ऑन टॉप लाइसेंसिंग गाइडलाइन से कंप्लाई कर तभी यूज करता है, ठीक है। अब ऑपरेशन ट्विस्ट, ऑपरेशन ट्विस्ट ये देखो, ऑपरेशन ट्विस्ट इसका एम क्या होता है, टू ब्रिंक डाउन इंटरेस्ट रेट, ठीक है, इसको इंटरेस्ट रेट को ब्रिंक डाउन करने के लिए हाउ कैसे होता है, सेल शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज टू बाय लॉन्ग टर्म, फिर से सुनो, एम क्या होता है, ब्रिंक डाउन करता है इंटरेस्ट रेट को और कैसे करता है, सेल शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी टू बाय लॉन्ग टर्म, ठीक है, शॉर्ट टर्म को बेच के लॉन्ग टर्म दीजिए। मेन प्रोसेस क्या होता है, सेविंग लेस डिजायरेबल, ठीक है, सेविंग लेस डिजायरेबल,
एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू एजीआर क्या होता है, यूजर्स फी प्लस लाइसेंस फी, उसका भी चार्ज देखो एजीआर में क्या कहता है, यूजर्स फी और लाइसेंस फी दोनों आता है। कंट्रोवर्सी क्यों होता है कि क्योंकि ये इंक्लूड करता है रेवेन्यू फ्रॉम नॉन टेलीकॉम रिलेटेड सोर्सेज टू, ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम नॉन टेलीकॉम रिलेटेड सोर्स भी करता है, ठीक है। मर्चेंट डिस्काउंटेड, मर्चेंट डिस्काउंटेड क्या होता है, चेंज इन रूल, रूल में चेंज कर सकता है, टर्न ओवर मोर देन 50 करोड़, टर्न ओवर मोर देन 50 करोड़ के लिए होता है, व्हाट क्या होता है, एक्सेप्टिंग पेमेंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। व्हाई क्यों होता है, कार्ड इशू POS प्रोवाइडर एंड गेटवे, कार्ड इशू POS प्रोवाइडर एंड गेटवे, ठीक है। ट्रेड डिफिसिट, ट्रेड डिफिसिट, ट्रेड डिफिसिट क्या होता है, व्हाट होता क्या है, इंपोर्ट वर्सेस एक्सपोर्ट, सिग्निफिकेंस क्या होता है, डिमांड नॉट मेट और लैक ऑफ वो, ठीक है, डिमांड मीट नहीं करता और लैक ऑफ वो होता है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब अगला देखिए, कोर इन्वेस्टमेंट, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, कोर इन्वेस्टमेंट करते व्हाट, ये होता क्या, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होता है जिसका एसेट साइज 100 करोड़ या उससे ज्यादा होता है। फिर सुनो, होता क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होता है जिसका एसेट साइज 100 करोड़ या उससे ज्यादा होता है, ठीक है। कमेटी कौन कौन होते हैं, 6 मेंबर कमेटी होते हैं, अंदर तपन राय, तपन राय के अंडर में 6 मेंबर कमेटी होता है, ठीक है, तपन राय के अंडर में 6 मेंबर कमेटी होता है, ठीक है। एक्सेप्शन क्या होता है, इफ ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है, एक्सेप्शन क्या होता है, अगर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल सेक्टर में होता नहीं होता, ठीक है। सप्लीमेंट्री ग्रांट, सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या होता है, सप्लीमेंट्री ग्रांट होता क्या है, एडिशनल ग्रांट होता है, ठीक है। हाउ कैसे करता है, सीएजी ब्रिंग नोटिस एंड पीएससी एग्जामिन, ठीक है, सीएजी नोटिस देता है और पीएससी एग्जामिन करता है, ठीक है। एडिशनल वर्सेस एक्सेस, ये क्या होगा, नीडेड वर्सेस यूज्ड पास्ट, एडिशनल वर्सेस एक्सेस मतलब क्या होगा, एडिशनल मतलब नीडेड, एक्सेस मतलब अनयूज्ड, ठीक है। सुनो, एडिशनल क्या होता है, जो जरूरत होता है वो उसको एडिशनल बोलते हैं और एक्सेस को क्या बोलते हैं, मतलब यूज्ड, यूज्ड, ठीक है। अब इस समझ में आ गया, ये देख लो ग्रांट कोर को, ये देख लो एडिशनल, एडिशनल क्या होगा, नीडेड, एक्सेस क्या होगा, यूज्ड, ठीक है। अब एनबीएफसी लिक्विडिटी नॉर्म्स, ये क्या होता है, फॉर होम किसके लिए होता है, ऑन नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी विथ एसेट साइज 100 करोड़ मोर, सभी एनबीएफसी के लिए होता है जिसका एसेट साइज 100 करोड़ या उससे ज्यादा होता है, ठीक है, उसके लिए, ठीक है।